Hello student, today my subject is computer and we learn about chapter 3 man versus computer. हमारा chapter 3 है इस बार computer में हम chapter 3 पढ़ेंगे जिसका name है man versus computer. Hi friends, you know that a computer can do many things. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप जानते हो. हाय फ्रेंड्स, आप जानते हो कि कंप्यूटर बहुत सारी चीजें कर सकता है. ठीक है, यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग, बहुत सारी चीजों को कर सकता है. इट इज यूज्ड इन बहुत सारे कामों को कर सकता है. इट इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, और इसका यूज हम अपनी लाइफ में हर चीज के लिए करते हैं. इट हैज मेड लाइफ वेरी फास्ट एंड इजी, और इसने हमारी लाइफ को कैसा बना दिया, बहुत ही फास्ट और इजी बना दिया. देयरफॉर इट कैन बी बेटर देन यू मैन, इसलिए ये बेटर है हमसे, मैन से बेटर कंप्यूटर है या नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर जो है वो मैन से बेटर है. इट कैन बी बेटर देन यू, इट कैन बी बेटर देन यू, यानी कि यू किसके लिए, मैन के लिए यूज किया जा रहा है. तो मैन से बेटर है या नहीं है, मैन वर्सेस कंप्यूटर, यहाँ पर बोला गया मैन वर्सेस कंप्यूटर. बट हाउ इट, ये क्या बोला जा रहा है, बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, परंतु ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. मैन हैज मेड कंप्यूटर, मैन ने ही कंप्यूटर बनाया है. देन हाउ कैन अ कंप्यूटर बी बेटर देन अ मैन, तो इस तरह से किस कैसे कंप्यूटर मैन से बेटर हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस. कंप्यूटर तभी काम करता है जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है, ह्यूमंस इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी तो कंप्यूटर काम करता है. विदाउट मैन, यानी कि हमारे बिना कंप्यूटर, इट इज डम मशीन, कंप्यूटर एक खराब मशीन है. जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम उसको चलाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं चलेगा. ठीक है, और अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो कैसे मशीन हो जाएगी, एक डम मशीन है. नेक्स्ट, बट स्टिल आई द कंप्यूटर, ये आई किसके लिए, द कंप्यूटर के लिए यूज किया गया है. एम बेटर, आई एम बेटर देन यू, यानी कि मैन, तो कंप्यूटर क्या कह रहा है, बट स्टिल, परंतु फिर भी मैं तुमसे बेटर हूँ. लेट्स हैव अ कंपैरिजन, चलो कंपैरिजन देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है, यानी कि मैन और कंप्यूटर के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हमें बताया गया है, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. जैसे कि चिल्ड्रन, गिवन बिलो इज अ कंपैरिजन चार्ट विथ अ मैन एंड अ कंप्यूटर. यहाँ पर दिया गया आपको मैन और कंप्यूटर के बीच का डिफरेंस चार्ट, कंपेरिजन का चार्ट दे रखा है. रीड ऑन एंड फाइंड आउट हु इज स्मार्टर, हमें इसको पढ़ना है और फाइंड करना है, यानी कि ढूंढना है कि कौन स्मार्ट है दोनों में. इधर कंप्यूटर का दिया है और इधर मैन का दिया है. फर्स्ट मैन, यहाँ पर कंप्यूटर का दिया हुआ है, सॉरी. कैन रिमेम्बर मैनी थिंग्स एंड नेवर फॉरगेट डैम, ये बहुत सारी चीजों को याद, कैन रिमेम्बर मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजें याद रख सकता है और वह कभी नहीं भूलता. एंड कैन रिमेम्बर फ्यू थिंग्स एंड कैन फॉरगेट देम आफ्टर सम टाइम, और ये कैन रिमेम्बर फ्यू थिंग्स, यानी कि ये कुछ ही चीजों को याद रख सकते हैं और ये कुछ समय बाद, यानी कि सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है कि भूल भी जाते हैं. हम लोगों के साथ होता है ना, जब हम कुछ चीज, हमें ज्यादा टाइम हो जाता है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और बहुत टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम पहले के जो हमारे साथ हुआ होता है वो हम भूलने लग जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं. न्यू थिंग्स हमारे माइंड में चलने लग जाती है, और जब पहले होती है मेमोरी होती है हमारी, वो भूलने लग जाते हैं उसको हम. सेकेंड, डज नॉट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, कंप्यूटर क्या नहीं करता, मिस्टेक नहीं करता. कैन मेक मिस्टेक, कैन मेक मिस्टेक, यानी कि मैन जो है मिस्टेक कर सकता है, हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं ना, हमसे मिस्टेक हो सकती है. कैसे हो सकती है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अब आप ही देखो, आप होमवर्क करते हो, कॉपी में काम करते हो, तो क्या करते हो, बोर्ड से देखकर भी आप मिस्टेक कर देते हो स्पेलिंग लिखने में, तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता. वर्क वेरी फास्ट, ये कैसे काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है. वर्क स्लोअर देन अ कंप्यूटर, और मैन जो है वो कंप्यूटर से स्लो काम करता है. डजंट गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है, टायर्ड मीन्स होता है थकना, थकता नहीं है. गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, और मैन जो है, यानी कि हम लोग जो है, वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद हम लोग थक जाते हैं. क्या होते हैं, हम लोग एक टाइम के बाद थक जाते हैं, हम ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा खेल लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, तो हमें कैसा फील होने लगता है, टायर्ड फील होता है, यानी कि हम थक जाते हैं.
कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, हम अपने कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, ये अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, ठीक है। कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, और हम जो है वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि मैन अपने डिसीजन ले सकता है। डजंट हैव फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है। हैज फीलिंग्स, लेकिन मैन के अंदर फीलिंग्स होती हैं। नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, कंप्यूटर पे जब हमें काम करना होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है जब हम काम करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। नेक्स्ट है, और मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, और मैन को काम करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। वो लाइट के बिना भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना वर्क कर सकता है। हम लोग, हमें तो ऐसा नहीं होता कि हमें चार्ज करना होता है या हमें प्लग लगाना होता है अपने अंदर तो ही हम काम करते हैं। कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकता। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया, कंप्यूटर और मैन में कंपैरिजन हो गया। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, मैन क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चैप्टर आज का हमारा यहीं फिनिश्ड होता है, और आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंप्यूटर और मैन का डिफरेंस। ओके, थैंक यू।